अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रभारी डीएम ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, टीवीएन न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी द्वारा दरभंगा समाहरणालय परिसर से स्कूली छात्राओं के एक समूह को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के अवसर पर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त साइकिल रैली समारोह में प्लस टू ML एकेडमी एवं LR गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने साइकिल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधित तख्ती के साथ नारा लगाते हुए रैली का आगाज किया। इसके साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के सामने दरभंगा सदर एवं बहेड़ी की महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों का रंगोली बनाया गया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा महिला एवं बाल विकास निगम के सहयोग से जिले में बालिकाओं एवं किशोरियों की सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम बिहार बालिकाओं के मान को बढ़ाने की दिशा में हेतु मनाया जा रहा है। उक्त अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि जीवन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के लिए उनका सशक्तिकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। साथ ही लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। महिला एवं बाल विकास निगम के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक जिले में 11 एवं 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत दरभंगा जिला में प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा साइकिल रैली को रवाना कर किया गया। इसके साथ ही साइकिल रैली का आयोजन दरभंगा जिले के सदर मनीगाछी बहादुरपुर एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में भी आयोजित किया गया। उक्त रैली समारोह के उपरांत सभी छात्राओं को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में महिला मुद्दों पर आधारित हिंदी फिल्म दंगल प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया।